हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है लाल कप्तान का ट्रेलर, और इसमें है सैफ अली खान, और ये चैप्टर वन है द हंट। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, चैप्टर वन द हंट पर। लाल कप्तान मूवी आ रही है सैफ अली खान की, और इस मूवी में इनको लुक दिया गया है जो हमारे जैक स्पैरो थे, थोड़ा खतरनाक सा लुक है। यानी अब ये पता नहीं है कि कोई बाबा का लुक है या कोई वैसा लुक है, दाढ़ी बड़ी है, सिर पे साफा बांधा हुआ है, तो कुछ डिफरेंट मूवी आने वाली है, तो वो चीज़ है। तो देखते हैं इसका ट्रेलर। चैप्टर वन द हंट। आदमी के पैदा होते ही काल अपने भैंसे पे बैठ के चल पड़ता है उसे वापिस लिवाने। आदमी की जिंदगी उतनी जितना समय उस भैंसे को लगा उस तक पहुंचने। शोर है अंधेर में जो ढेर, मुर्दा पेड़ों का सुलग गया झुलस गया, लो ज्वाला ज्वाला आ गया। काटे ही के ढेर में वो ढेर जीव जन्म का लो जल गया। भोले के सिपाही भूतों थे, कुछ तो कहते कि तुम भी भूती हो, कुछ ये भी कहते कि एक बार शिकार से चिपक जाओ फिर उसे छोड़ते नहीं। लाल तो ये आ रही है 18 अक्टूबर। अंधेर में जो ढेर, मुर्दा पेड़ों का सुलग गया झुलस गया, लो ज्वाला ज्वाला आ गया। काटे ही के ढेर में वो ढेर जीव जन्म का लो जल गया। धुआं 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 आ गया। तो ये था छोटा सा ट्रेलर, 1.5 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा नहीं। तो बाकी इसको देख के तो लग रहा है कि मूवी ऐसे आने वाली है। बाकी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज तो समझ में आ गई है। इसने कहा है कि आदमी की उम्र उतनी ही है जितना काल को भैंसा लेके पहुंचने में लगता है। मतलब जब से आदमी पैदा होता है तब से काल जो है भैंसे पे सवार होके उसके पीछे लग जाता है। हाँ, और इसमें यही दिखाया कि देखो कि यानी मौत भी दिखाई है, फाइट भी दिखाई है, एक्शन भी है, और कुछ एक जगह ऐसा भी है कि जहाँ पे बात करिए भूतों की, बात करिए कि सुना है भूतों के बारे में, कहीं तुम भूत तो नहीं हो। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई कुछ इंटरेस्टिंग सी मूवी आने वाली, कुछ डिफरेंट लुक को लेके, यानी कुछ स्टोरी ऐसी है कि कुछ एक अलग से हटके है। और एक्शन इस मूवी में लग रहा है काफ़ी है, मतलब ट्रेलर में तो इतने एक्शन दिखा दिए इन्होंने, तो काफ़ी मतलब तगड़ी एक्शन मूवी होने वाली है। और सैफ अली खान की तो वैसे ही, बाकी सैफ अली खान को आज तक ऐसे लुक में हमने कभी नहीं देखा है। हमेशा चार्मिंग लुक में देखा है या फिर थोड़ा सा मजाकी लुक में देखा है या सरदारों वाले लुक में देखा है, लेकिन ऐसे लुक में कभी नहीं देखा हमने। तो दाढ़ी बढ़ रखी है, बाल पूरे बाबाओं की तरह जटाएं बनी हुई है, यानी एक गुस्सा पूरा। एक बड़ी सी दाढ़ी है, बाल बड़े हैं, जैसे हमारे नागा बाबा और वो होते ना अघोड़ी, उनके जैसे बाल कर रखे उन्होंने। और इस मूवी को देखते हैं कैसा इसका, अभी चैप्टर वन है ये, शायद इसका और भी ट्रेलर आएंगे। नहीं, आई थिंक ये चैप्टर वन द हंट ऐसे कोई बुक्स है उसका लेके बनाया हुआ आई थिंक, मेरे को लगता है। तो अभी देखते हैं, वैसे मूवी 18 अक्टूबर को रिलीज हो रही है तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो पता लग जाएगा कि एक्चुअल में है क्या मूवी में। तो इस छोटे से ट्रेलर में हमें ज़्यादा पता नहीं लग पाया स्टोरी का, लेकिन जो भी है ये एक्शन मूवी जाने वाली है, और बहुत ही अच्छा लुक है सैफ अली खान का। और आई थिंक ये लाइफ को लेके भी है कि यानी इंसान की लाइफ कहाँ पे स्टार्ट होती है और कहाँ ख़त्म होती है, उस चीज़ को लेके है। और बीच में एक सीन भी दिखाया हुआ है कि वो उसको चल रहा होता है घोड़े पे और पीछे से उसको बांध के घसीट रहा होता है, तो लेके जा रहा होता है, यानी कि मौत कब उसे ख़त्म कर रही है, तो वो चीज़ दिखाई गई है इसमें। तो अगर आपने भी ये ट्रेलर देखा हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताएं। और साथ के साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। हमारे चैनल पे और भी रिएक्शन वीडियोस हैं, उनको ज़रूर देखें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।